हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र। और दोस्तों, आज जो न्यूज़ निकल कर आई है, ये यहाँ पर डेट देख लीजिए पहले, 30/10/2018 का एक इम्पोर्टेंट नोटिस है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट और सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट आप लोगों को दी जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। उपेंद्र यादव का ये ट्वीट है दोस्तों, और अभी थोड़ी देर पहले ही जारी हुआ है, और ये यहाँ पर विज्ञप्ति भी है, उसके बारे में पूरा बताया जाएगा। प्रेस रिलीज रिगार्डिंग पिटिशनर रोल नंबर एंड कोर्ट ऑर्डर ऑफ हेडमास्टर। तो दोस्तों, ये जो हेडमास्टर की जिन लोगों ने एग्जाम दिए है, या फिर आप जो भी वीडियो देख रहे हो उनके किसी रिश्तेदार ने एग्जाम दिए, तो उनको ये न्यूज़ ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उनको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की है, ये है पीसी बोरवाल जो सचिव हैं, उन्होंने जारी की है लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा। पढ़ के सुना देता हूँ। आयोग द्वारा प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा 2018 हेतु जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11/9/2018 के अनुक्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर जोधपुर द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों से उनके प्रवेश पत्र एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रति उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के संदर्भ में आयोग की ईमेल जो ये आईडी दे रखी है दोस्तों, ये अच्छे से देख लेना, पर दिनांक 18/9/2018 तक आयोग को प्रस्तुत किए जाने हेतु सूचित किया गया था। तो दोस्तों, पहले सूचित किया जा चुका है 18/9/2018 तक कि आपको आपका जो प्रवेश पत्र है वह अपलोड करना था इस आईडी में, परंतु कतिपय याची अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक भी उक्त आशय की सूचना से आयोग को अवगत नहीं कराया गया है, चूंकि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ये निकल कर आ रही है कि जल्दी से ही आपका रिजल्ट जारी होने वाला है प्रधान अध्यापक का, ठीक है। अतः ऐसे याची अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट इस पर अपलोड कर दी गई है, जिन्होंने आज दिनांक तक भी प्रवेश पत्र एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की है। दोस्तों, तो आपका नाम भी हो सकता है उसमें, अगर आपने भी अपलोड नहीं किया है आपका प्रवेश पत्र, तो यहाँ पर जो आईडी दे रखी है वहाँ पर जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पर आपकी आईडी पहुँची है या नहीं पहुँची, या उन्होंने रिसीव की है या नहीं की है। अब आगे की न्यूज़ देखते हैं। इसमें कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए ये अभ्यर्थी दिनांक 6/9/2018 तक आवश्यक रूप से व्यक्ति अथवा डाक द्वारा आयोग कार्यालय में उक्त वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर देवे, ताकि न्यायिक आदेशों की पालना की जाना संभव हो सके। याची अभ्यर्थियों द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आयोग द्वारा न्यायिक आदेशों की पालना की जाना संभव नहीं हो सकेगा। ऐसे याचियों द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने, तथ्य छुपाने के कारण आयोग द्वारा किया गया चयन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं याची अभ्यर्थी की होगी। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जिन लोगों ने प्रधान अध्यापक का एग्जाम दिया है और उन्होंने अभी तक अपना एडमिट कार्ड इस आईडी पर अपलोड नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी करा दीजिए, क्योंकि आपके भविष्य में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसको निरस्त भी किया जा सकता है इसकी कमी के कारण। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट और सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट आप लोगों को दी जाती है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।